इस वक्त एलजी हाउस के बाहर मेरी मौजूदगी और आप देखेंगे कि कई सारे आपको आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता यहां पर दिख जाएंगी और इसी के साथ ही इनके पास में जो पोस्टर है वो जरा मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगी कि एलजी साहब रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर रोक क्यों, क्योंकि रोक लगा दी गई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से जब भी प्रदूषण को लेकर के विंटर एक्शन प्लान लाया जाता है उसमें इस पॉइंट को, इस बिंदु को जरूर शामिल किया जाता है। आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया यहाँ पर, काफी ज्यादा विरोध नहीं, ये जो हमारे सांसों में रोज पॉल्यूशन जा रहा है, हम लोग रोज मर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। एक स्टेप भी जो पोल्यूशन को रोकने के काम आ जाए वो बहुत ही जरूरी है। दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है इससे। आप भी यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट में, क्या कहेंगी? देखिए, मैं एलजी साहब को एक ही बात कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने जो अभी पिछली साल भी किया था उससे प्रदूषण का बहुत फर्क पड़ा था और हम यही कहेंगे इसको रोकने का कोई कारण नहीं बनना चाहिए। एलजी साहब को खुद सोचना चाहिए कि जनता कितनी बुरी तरह से त्राहिमाम कर रही है इस टाइम, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चे हों, बूढ़े हों, स्कूल जाते हुए छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हम लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इससे जनता का ही भला है और जनता की भलाई के लिए ही हम लोग करते हैं। लेकिन खुद भी एलजी साहब कह रहे हैं कि हम खुद सोचते हैं कि एलजी साहब वो काम करते हैं, हमारी पार्टी चाहे अच्छा करे या बुरा करे उनको विरोध करना ही करना है, वो मोदी जी के इशारे पे चलते हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे, हम चाहे अच्छा काम करे या बुरा करे उनको हमारे कामों का विरोध करना ही करना है। एलजी साहब को अच्छा काम था, हर साल पॉल्यूशन पे कुछ तो ये असर लग रहा था ना, अभी पॉल्यूशन बढ़ने वाला है ये एलजी साहब भी जानते हैं, सांसें तो वो भी ले रहे हैं दिल्ली में। लेकिन यमुना भी बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी है, यमुना की जिम्मेदारी भी तो पार्टी, यमुना एक राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, यमुना कई राज्य 21 किलोमीटर की जिम्मेदारी तो कोशिश हो रही है और इतना आसान नहीं है यमुना को साफ करना, बहुत राज्यों से निकलती है यमुना, अगर दिल्ली में भी बहुत कोशिश कर भी हम जितना साफ कर लें, बाकी राज्यों की भी उतनी जिम्मेवारी है जितनी दिल्ली की है यमुना के लिए। दिल्ली सरकार ने अभी तक जितने वादे किए हैं, जितने कहे हैं वो पूरे किए हैं और 2025 तक यमुना भी साफ हो जाएगी। यमुना तो अब साफ हुई है, बहुत साफ हुई, क्योंकि हम लोग छठ पूजा करते हैं पूर्वांचल से है, यानी कि वहाँ पे इतने गंदगी होती थी लेकिन अब बहुत सफाई है यमुना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है आम इसके प्रदूषण के लिए, जो हमारी फॉगिंग मशीनें लगी हुई हैं इस टाइम आप देखिए सारे पेड़ों पे कितना, अगर हमारी दिल्ली सरकार इस काम को करने में सक्षम है लेकिन उसको रोका जा रहा है, अगर उसको रोका ना जाए। एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं एलजी साहब से, आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है, जब भी जन सहयोग के लिए कोई भी पार्टी हो, ये तो आम आदमी पार्टी तो जन सहयोग करती है, जब भी कोई ऐसी सुविधा जनता को देने की कोशिश करते हैं तो क्या ऐसी मजबूरियां, एलजी कितने बदले गए, एक बदला, दो बदला, अब तीसरे एलजी साहब आ गए हैं, तो ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी है जो बार बार वो जनता के लिए करेगी चीजों को रोकते हैं? यहाँ पर आप देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरा प्रोटेस्ट किया, आप भी आप प्रोटेस्ट में शामिल हुए? हाँ जी, एलजी साहब को जो है वो केजरीवाल फोबिया हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरी को ही केजरीवाल फोबिया हो गया है। ये लोग जब रात को सोते हैं तो केजरीवाल जी इनके सपने में आते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि दिल्ली के अंदर इस बार आपने देखा कि दिवाली के टाइम पर पॉल्यूशन नहीं बढ़ा तो इनके नेता, पॉल्यूशन तो बढ़ा है। नहीं, पॉल्यूशन उतना नहीं गया मैडम जितना जाना चाहिए था। आप नोएडा को देख लीजिए, आप गाजियाबाद, उतना भी तो नहीं, आप गुरुग्राम को देख लीजिए, और जब इनको लगा कि पॉल्यूशन कम है तो इनके ही सांसद मनोज तिवारी जी सुप्रीम कोर्ट चले गए और कहा कि जी अनुमति मिलनी चाहिए कि दिल्ली के सभी लोग पटाखे चलाएं और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी जी को झाड़ लगाई इस बात के ऊपर कि यहाँ के लोगों को आप सांस लेने दें। केजरीवाल जी ने कहा हमारा ही अपना दिया हुआ ये प्रोपोजल है कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, जिससे क्या है, इसको हमने देखा था, इसके द्वारा लगभग 20% पॉल्यूशन कम हुआ है और कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें बहुत ज्यादा थी, गरीब आदमी जो गाड़ी को चला रहा है या गाड़ी के साथ है कहीं ना कहीं उसने अपनी बचत की है। पर एलजी साहब को दुश्मनी है, साहब दिल्ली के हर व्यक्ति के साथ दुश्मनी है और वो चाहते हैं कि दिल्ली के लोग ना तो सांस ले पाए और ना ही दिल्ली के लोग सही से जी पाए। तो यहाँ पर जी
मैं ये कहना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी जो भी कार्य करते हैं, एलजी साहब को उसमें बीच में टांग अड़ानी होती है अपना, उस कार्य को रोकने के लिए पता नहीं उनको क्या करना पड़ता है, बीजेपी के इशारों पर चलते हैं वो। उनको थोड़ा सा इस जनता के लिए सोचना चाहिए, सिर्फ बीजेपी के लिए बारे में नहीं सोचना चाहिए, जनता के भल हित में चाहे वो आम आदमी पार्टी कार्य करे, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे वो कांग्रेस करे, उनको जनता के हित के लिए सोचना चाहिए, जनता के हित के लिए सोचना चाहिए। ये कहना है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बता दिया जाए कि यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो प्रोटेस्ट के लिए आए हुए थे एलजी साहब के घर के बाहर में। आप यहां पर देखेंगे सीधा उनके पोस्टर्स पे लिखा हुआ है कि लोगों की सांस के साथ खिलवाड़ बंद करो। तमाम आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इसी के साथ ही आपको बता दिया जाए कि एक बार जिस तरीके से दिवाली के बाद में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है, इस बार भी दिल्ली का, देश की राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वह बहुत 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 खराब श्रेणी में पहुंच गया। यानी कि जो भी एक्शन प्लान बनाए गए थे, जो भी नियम कायदे बनाए गए थे प्रदूषण को रोकने के लिए, ताकि जो दिल्ली वाले हैं, तमाम जो जनता दिल्ली आती है वो साफ स्वच्छ हवा में सांस ले पाए, वो भी एक बार फिर से फेल होते हुए दिखाई दिए हैं। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं का कहना है कि रेड लाइट ऑन ऑफ का जो हम प्लान पिछले साल लेकर के आए थे, उससे प्रदूषण में 20% की गिरावट हुई थी, इस बार फिर से ये जो नियम है वो लागू करने दिया जाए ताकि प्रदूषण के स्तर को जल्द से जल्द कम किया जा सके। कैमरा पर्सन मुनीष भल्ला के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी।